वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। बीजेपी बदलाव में भरोसा रखती है, जिसका परिणाम है कि पिछले कुछ दिनों से कई राज्यों में सीएम बदले जा चुके हैं। कर्नाटक, उत्तराखंड और अब गुजरात के बाद परिवर्तन की निगाहें कई बीजेपी शासित राज्यों की ओर हैं। इस बीच मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जो बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस राज्यसभा जाने से मना कर बीजेपी को अलग संकेत दे दिया है। विजयवर्गीय ने संकेत दिया है कि चुनाव लड़कर संसद बनेंगे। बता दें कि एमपी के खंडवा से सांसद नंद कुमार चौहान के निधन के बाद से ही ये लोकसभा सीट खाली है और यहाँ उपचुनाव होना है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक इस सीट के लिए किसी को दावेदार पेश नहीं किया है। माना जा रहा है कि बीजेपी महासचिव का इशारा भी इस सीट की तरफ था। हाल ही में उत्तराखंड और गुजरात में हुए बदलाव पर उन्होंने कहा है कि परिवर्तन कहीं भी हो सकता है। हालांकि इस दौरान वो एमपी में कोई भी राजनीतिक बदलाव की बात नहीं कर रहे थे। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी में नेतृत्व बदलने की परंपरा पहले से ही रही है और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि नेता के बदले जाने से उनकी विचारधारा बिल्कुल नहीं बदलेगी। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में ये तमाम बातें बीजेपी महासचिव ने कही। वहीं इस दरमियान राहुल गांधी के ऊपर तीखे प्रहार भी किए गए और कहा कि देश का विपक्ष नेता विहीन हो गया है और अभी तक कोई भी चेहरा नहीं मिल पाया है। साथ ही साथ कांग्रेस शासित प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चल रहे सियासी हलचल पर भी उन्होंने तंज कसा और इसका जिम्मेदार राहुल गांधी को ही बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।